एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना, धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ गुरु घंटाल आदमी है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे, चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है, क्या है ना मालूम आपको, वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे, जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएगा। कितना? 40 लाख देने का ना। 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शेर छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? पास कर आइए, हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं, कहां से 40 लाख देंगे उनको? बाबूया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। भैया मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को बर्बादी के जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे, नहीं बचूंगा, फेंक दो मुझे।